देश का क्या है मिजाज, क्या है विकास के नाम पर राजनीति का रंग, चुनाव की रणनीतियों की बारीकियों पर होगी मेरी राजनेताओं से चर्चा, देश में विकास रोजगार क्या युवाओं को लुभाने के लिए जुमले साबित होंगे। मैं यानी निनाद दीक्षित के साथ रूबरू में आप देखेंगे देश की राजनीति में क्या होगा 2019 में चुनाव की रणनीति। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, सरहदों पे तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। सरहदों पे बहुत तनाव है, यहाँ महाराष्ट्र से युति की गूंज उठ रही है। ऐसे सभी खबरों के लिए वाकिफ होने के लिए आप MNS का रुख करते हैं। तो इसी सिलसिले में MNS न्यूज पे एक विशेष कार्यक्रम रूबरू में मैं निनाद दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ विशेष मेहमान है उत्तर नागपुर से विधायक डॉक्टर श्री मिलिंद माने। सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। यहाँ महाराष्ट्र में युति की गूंज उठ रही, कार्यकर्ताओं में कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? कार्यकर्ताओं में प्रतिसाद अच्छा है, समाधान व्यक्त कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि युति से जितने फायदे है उतना नुकसान भी होगा? नुकसान नहीं है। और शिवसेना को? शिवसेना का तो काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो युति को सर आंखों पर लेकर चलेगा। आप नागपुर से आते हो, नागपुर में कैसी हवा है? नागपुर में तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी हवा है। जो नरेंद्र मोदी जी की लाट पिछले बारी से आई थी, अब वो लाट ने अभी सुनामी दोबारा आ रही है, तो अच्छा वातावरण है। पर जैसा देखा जाए तो सेमीफाइनल में तो आपकी हार हुई। नहीं, वो उसके पीछे का अन्य कारण है, हार नहीं है। कैसा है कि कुछ एंटी इनकम्पसी के कारण, खास करके राजस्थान और MP के अंदर में और छत्तीसगढ़ के अंदर में भी थोड़ा सा पक्ष 15 साल से काम में था, तो काम करने वाले मंत्री बोलो विधायक बोलो, तो जनता के अंदर में कुछ विधायक अच्छे रहते हो चुनकर आए हैं, जो नहीं अच्छे थे वो हार गए। हारने वाले की थोड़ी सी संख्या ज़्यादा निकली, इसलिए हम थोड़ा पीछे आए हैं, तो उसको हार नहीं बोलते हैं। EVM को कुछ दोष देना चाहोगे? किसे? EVM? नहीं, बिल्कुल नहीं। EVM को मैं बिल्कुल, विज्ञान का कोई भी आविष्कार है उसको मैं कतई दोष नहीं देता, और विज्ञान का आविष्कार जो रहता है ना वो फुल प्रूफ रहता है। और मैं भारतीय चुनाव आयोग के ऊपर में मेरा अतिशय ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि चुनाव आयोग उस वक्त जो राजनेताओं से बर्ताव करता है वो यूँ समझ लो कि हम आरोपी के कटघरे में रहते हैं और वो पुलिस वाले होते हैं, वही हमारी सुनवाई नहीं रहती। चुनाव आयोग ने आपके चुनावी खर्चों पे बहुत कुछ कहा है, उसको मानते हो आप? बहुत कुछ, मतलब जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं? हाँ नहीं, लाना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो रिस्ट्रिक्शन लाने से जो अनाप शनाप पैसा खर्चा होता था और नागरिक भी उसे नहीं समझ पाते थे, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन आने से थोड़ी सरलता महसूस हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या होना चाहिए? सरकार का पैसा बचेगा, लोगों के यानी जो तकलीफें जो रहती हैं वो बच जाएगी। तकलीफें कैसे बचेंगे? अपने जब हम विचार करते हैं तो भारत का जो मतदाता है, बहुत से इलाकों में ऐसा मतदाता है कि जहाँ पे उसे खुद नहीं पता होता कि मैंने किसको वोटिंग करना है, किसी के बहकावे में आके या किसी के इसमें आके वो वोटिंग करते हैं, वो मतदान करते हैं। तो उस समय जब उसको एक ही समय पर कॉरपोरेटर, MLA, MP सभी को चुनना है तो कैसे दिमाग चलाएगा वो? नहीं, आसान बात है, भारतवर्ष का हर नागरिक मोबाइल चलाता है तो वो मशीन भी चलाएगा और दिमाग से चलाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति को, जैसा नागपुर के अंदर में ये थी समझो महानगर पालिका का, विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव आता है, तो उनको 3 वोट डालना है, और 3 वोट डालने के लिए मुझे नहीं लगता है कि, कई बार ऐसा है 2 वोट डालने का तो अपन ने प्रयोग किया है, विधानसभा लोकसभा एक साथ मिले, एक नगर सेवक का जुट जाएगा, एक मशीन और लगेगा उसके अंदर,
तीन अलग अलग जगह पे उसको वोटिंग करना है। तो इतना अभी समझदार है व्यक्ति, ये महानगर पालिका के अंदर में नगर सेवकों को किसको चुन कर देना चाहिए और लोकसभा में किसको देना चाहिए, विधानसभा में किसको देना चाहिए। तो चलो ये तो बात हो गई चुनाव की, पर चुनाव में आपको जीत मिली 2014 में जी, बहुत बड़ी जीत थी। उस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कितनी उपलब्धियां देश के लोगों के लिए समर्पित की? अनगिनत है, यदि उसके यदि मैं लिस्ट गिनवाना चालू करूंगा अनगिनत तो, क्या आप जवाब को टाल भी सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं वो वैसा नहीं है, बहुत सारे काम किए साहब, क्या कितने काम बताना, यदि बताने के लिए जाएंगे ना तो लिख कर लाने के बावजूद भी मेरे को 3 घंटा पढ़ने के लिए लगेंगे, इतने सारे। अच्छा तो आप व्यक्तिगत रूप में आपने कितना काम किया आपके विधायकी क्षेत्र में? उतना अभी हम कैसा है मोटा मोटा बताएंगे तो ठीक रहेगा, यानी समग्र यदि छोटा छोटा बात बताने के लिए जाएंगे तो वो आपका भी समय खराब हो जाएगा उसके अंदर। हम यह चाहते हैं कि मेरा कैटेगराइजेशन जो था, मैं जब चुन कर आया था तो विकास के लिए जो मुझे कार्य करना चाहिए वो तो मैंने नंबर एक पर करने का प्रयास किया। हमारे पूर्व विधायक जो थे और मंत्री भी जो थे उनके भी बहुत सारे काम जो है अर्ध अवस्था में ऐसे ही पड़े हुए थे। वो पहले तो मैंने देखा कि वो अर्ध अवस्था में पड़े हुए जो काम है उसके लिए भी पैसा किसका लगा, सरकार का लगा, जनता का लगा है, ठीक है ना। कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने लाए होंगे तो उसके पीछे उसका जन्मदाता करके उनका नाम चला, लेकिन ठीक है कि वो जन्मदाता हुए तो पालनकर्ता भी बहुत बड़ा होता है। तो हमने वो अधूरे प्रोजेक्ट है ना उसको हाथ में लिया और उसको पहले पूरी करके हम लोगों को लोकार्पित किया, जैसा वो वैशाली नगर का तरण ताल है तो हमने लोकार्पित किया, अब लोग तैर रहे हैं वहाँ पर। यदि हम यदि ऐसा सोचते कि भैया वो हमारे पूर्व विधायक का काम है उसको क्यों हम हाथ लगाएं, तो और वो ऐसा ही भंगार बन जाता था वो, लेकिन हमने वैसी कोई बात नहीं की। हमारे पूर्व विधायक जी ने जो भी उनके ऐसे जो काम लाए थे उनको हमने अधूरा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सरकार का पैसा है और उन्होंने जो भी आइडियाज उनके पीछे रही होगी तो वैसी की वैसी एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसके लिए हमने प्रयास किया। तो पूर्व विधायक के पूरे अधूरे काम पूरे करने के अंदर में मैंने प्राथमिकता दी और उसको पूरा करने का प्रयास लगभग पूरा हो चुका है। जो उनके 15 साल के कार्यकाल में एक भी प्रोजेक्ट उन्होंने लोकार्पित नहीं किया वो मैंने पूरा करके हर प्रोजेक्ट में लोकार्पित कर रहा हूँ। हर महीने में 2 महीने में एक बड़ा प्रोजेक्ट में लोकार्पित करता हूँ, कुछ श्रेय उनको भी जाता है कुछ मुझे भी जाता है, लेकिन हमने वो दूसरा ये नहीं रखा कि भैया मैं क्यों उसको फिर नहीं है। जो मेरे मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने रोड की तरफ भी कभी ख्याल नहीं दिया था और मैंने मेरा एजेंडा बनाया था कि हर बस्ती के अंदर में कम से कम एक रास्ता ढंग से वो बस्ती के अंदर में जाए, तो मैंने रास्तों के ऊपर में ज़्यादा पहले ख्याल किया। तो उस रास्तों में से सरलता से बने तो वहाँ पे मैंने डामर रोड बनाए, नहीं बन सकते थे कीचड़ है बहुत ज़्यादा तो सीमेंट रोड बनाए, जहाँ पर दोनों भी नहीं बना सकता तो वहाँ पे कम से कम WBM रोड बनाए, तो कम से कम सरलता से कोई भी नागरिक अपने घर पर पहुँचे। अगर और एक आपको टर्म मिल जाए जी, तो जैसे आपने अभी बात की कि हर एक बस्ती तक एक रास्ता लेके जाने की आपने बात की, तो ये तो काम अभी पूरा हो गया, पर हर एक बस्ती में रास्ते पूरे बनाना ये काम अगले टर्म तक हो जाएगा पूरा? दावा तो नहीं कर सकता, मैं मेडिकल फील्ड का आदमी हूँ, डॉक्टर हूँ, ये पेशेंट मरने वाला है या जीने वाला है इतना ही मैं बताता हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूँगा। तो चलिए बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी जिएगी या मरेगी? जिएगी या मरेगी 2019 में? अरे बाबा वो मरने की बात तो दूर छोड़ो, वो तो अमरत्व लेने के लिए जा रही है हाँ, और कई सालों तक की अमरत्व ले रही है भारतीय जनता पार्टी, इतना बात पक्का है। यूँ समझ लो कि 50 साल का आने वाला राजकारण है ना, विरोधी कितने भी इकट्ठा हो जावे, समझे क्या? भारतीय जनता पार्टी जो है ना, देखो आई वॉज अ अपोनेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी वंस अपॉन ए टाइम, मैं विरोधक था, लेकिन जब से मैं विधायक देखा, कार्य प्रणाली अंदर से देख रहा हूँ,
कार्य करने की शैली देख रहा हूँ। भारत देश को आगे लेके जाने वाली, भारत देश को बचाने वाली यही केवल एकमात्र पार्टी, नहीं तो बाकी के पार्टियों ने तो नोच नोच के खाया है देश को। नहीं तो भारत देश जो है, हमने जापान भी देखा है, हमने भारत भी देखा है। 1947 में जापान तो तहस नहस हो गया था हिरोशिमा नागासाकी में बम डालने के बाद, और भारत देश भी 1947 में स्वतंत्र हुआ। जापान दुनिया का नंबर एक का देश बन रहा है, भारत अभी भी लड़खड़ा रहा है। 60 साल हमारे व्यर्थ गए साहब। शायद उस वक्त यदि भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलो दिमाग में छाई रहती ना, तो जापान से नहीं, दुनिया की नंबर एक आर्थिक शक्ति, महाशक्ति अमेरिका नहीं, रशिया नहीं, हम रहते थे। आप नागपुर से आते जी, और नागपुर में संघ की बड़ी एक पकड़ है, और नागपुर संघ की शुरुआत नागपुर से हुई। संघ की कतार में कभी खड़े रहे? कतार में नहीं रहा, लेकिन मैं संघ का अभी समर्थक, कतार में नहीं रहा, खड़ा रहा, क्योंकि मेरी वैसा यानी कोई वजह ही नहीं निर्माण हुई थी कि मैं संघ का कोई विद्यार्थी बनूं करके, कतार में कहीं। लेकिन जब से विधायक बना हूँ तो संघ के जो भी कार्यक्रम रहते हैं उसमें उपस्थित रहता हूँ, और अपने अच्छे गणवेश में जो गणवेश जो रहता है, क्या बोलते अपन उसको, सादा गणवेश जो है वो पहन कर मैं रहता हूँ। संघ के विचार जो है राष्ट्र के विचार, हमने कैसा है ये, मैं फुल्ली अम्बेडकराइट आदमी हूँ। मैं संघों को भी, मैं कभी कभी बाबा साहब अम्बेडकर के ही चश्मे से देखता था, मुझे भी ऐसा लगता था कि लोग बताते होंगे ऐसा है, लेकिन हम सब अभी आमदार बने साहब, तब से हम देखे संघ के तो कार्यक्रमों में। तभी कोई जान सकता है जब उसके नज़दीक जाए। मोहन जी भागवत इन्होंने कहा है कि अगर संघ को जानना है तो संघ की शाखा। तो आपने कम से कम उनके जो वैचारिक वर्ग रहते हैं उसमें तो विचार। संघ के बारे में मुझे दो जो बात पसंद आई, वो एक बात ये बता देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघ ये विरोधक है, ऐसा प्रचार बाहर भी होता है। जिस बस्ती में मैं रहता हूँ इंदौरा में, वहाँ तो संघ का प्रचंड विरोध होता है। तो आप स्पष्ट रूप से कैमरा के सामने कहते हैं? बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ मैं कि संघ अम्बेडकराइट्स विरोधी नहीं है। नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो, चार फोटो लगाते हैं साहब लोग संघ के हर कार्यक्रम में। एक फोटो रहता है शिवाजी महाराज का, एक फोटो रहता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, एक फोटो रहता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, और एक फोटो रहता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। चार फोटो रहते हैं केवल। हम पूरे महाराष्ट्र के जितने भी मीटिंग अटेंड करे हैं, चाहे वो तुम्हारा रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी हो, वहाँ पर भी रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी के अंदर में तो मैंने एक आश्चर्यकारक बात देखा कि रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी क्या है, संघ की वैचारिक शिक्षा चलाने वाली शाखा भाईंदर उत्तन में है उसका ही। हम जब नए आमदार चुनकर गए तो हमारा क्लास वहाँ पर थे, तो हम 3 दिन के लिए वहाँ पर रुके, तो वहाँ पे रुके तो परिसर देखने का मौका प्राप्त हुआ हमें। तो मैं जब वहाँ पे ग्रंथालय में गया सब, तो ग्रंथालय के बिल्कुल बाहर में लिखा हुआ था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ग्रंथालय। मैंने कहा बाप रे, बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम यहाँ पे। अंदर में गया, केवल एकमात्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो ग्रंथालय में, अन्य किसी का फोटो नहीं। संघ ये मानता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, बहुत होशियार व्यक्ति थे, ग्रंथों पे ऊपर में प्रेम करने वाले व्यक्ति थे, और उसके लिए उन्होंने जो घटना भी जो लिखी हुई है वो सबसे होशियार आदमी, इसके लिए संघ बुद्धिजीवी आदमी करके उसका रिस्पेक्ट करता है। फिर से चुनाव हुए, आप चुन के आए, हाँ, तो मंत्री होने की आकांक्षा रखते? नहीं, हम स्वयं कैसा रहता है देखो, मंत्री बनना ये स्वयं व्यक्ति मंत्री नहीं बनता, उसे बनाया जाता है और उसकी एक प्रणाली रहती है। और आपकी आकांक्षा है? हमें यदि कोई जिम्मेदारी ये दिया तो वहन कर लेंगे, अच्छी तरह से वहन कर लेंगे। उसे आप प्रतिष्ठा का विषय मानते, परीक्षा का विषय? बिल्कुल नहीं मानते, परीक्षा का भी नहीं, ना ही प्रतिष्ठा का है। वो समय की मांग जैसी होना चाहिए, क्योंकि समझो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस साहब नागपुर के मुख्यमंत्री है, तो नागपुर में मंत्री बनाएंगे क्या सभी को? नहीं बना सकते, पूरा महाराष्ट्र पड़ा हुआ रहता है, सभी जातीय धर्म के लोग रहते हैं, उनको बैलेंस करना पड़ता है। रीजनल बैलेंस मराठवाड़ा है, उत्तर महाराष्ट्र है, पश्चिम महाराष्ट्र है,
विदर्भ है, इनको सब विदर्भ के भी सभी क्षेत्र सभी आमदार सभी जगह से चुनकर आते हैं, विरोधी पक्ष अपने साथ में रहते हैं, उनको भी कुछ देना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा 43 के ऊपर में संख्या नहीं जाती मंत्री बनाने के, और 43 के अंदर में नहीं तो हर आमदार को मंत्री बना देंगे, क्या मतलब है? उसका नियम है घटना का कि 43 के आगे में 288 विधानसभा के आमदारों में 43 ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बन सकते हैं, तो 43 में हमारा नंबर लगा और हमारे लायक कोई खाता दिया तो हम स्वीकार लेंगे। कौन सा खाता आपको पसंद है? अभी कैसा है, मैं मेडिकल एजुकेशन से संबंधित हूँ, मेडिकल एजुकेशन दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आरोग्य डॉक्टर हूँ, आरोग्य संभाल सकता हूँ, समाज कल्याण संभाल सकता हूँ, किसान का बेटा हूँ, स्वयं हल चलाया है, खेती बोई है, गन्ने काटे हैं, सब कुछ काम किया है खेतों के अंदर में, तो किसान का यानी कृषि मंत्री भी हम चला सकते हैं। पढ़ाई भारत में सबसे अच्छा खाता कौन सा चल रहा है? भारत में सबसे अच्छा खाता तो ऐसा अभी तो मैं एकाएक नहीं बोल पाऊँ। सड़क परिवहन, ये तो गडकरी साहब के कारण चल रहा है सड़क परिवहन, तो ये नो डाउट बहुत ही अच्छा चल रहा है। व्यक्तिगत विचार कैसे गडकरी साहब पर? यानी मेरे विचार है, आपके विचार? हाँ, गडकरी साहब बहुत अच्छे इंसान है, राष्ट्र पुरुष, बहुत ही यानी वेल स्टडीड वेल प्लान व्यक्ति है। मैं उनको 1982 से पहचानता हूँ, कॉलेज का पॉलिटिक्स जो है कई जमाने में, मैं उनसे वैसा 2-3 साल जूनियर हूँ, लेकिन कॉलेज के ज़माने का पॉलिटिक्स हम साथ साथ उनका किया करते हैं। उनका कॉलेज का पॉलिटिक्स देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है, मैंने गडकरी साहब को जगत रेस्टोरेंट के सामने हम वो नाले के ऊपर में कट चाय पीते थे, वहाँ से हमने उनको देखा है। तो वेन ही वॉज अ डाउन ट्रोडन डाउन टू अर्थ पर्सन, तो उस अवस्था में कंधे पे सीढ़ी लेकर पोस्टर लगाने वाले के साथ में बर्डी में मैंने देखा, इतना रात में इतना स्ट्रगल नितिन जी का है, बहुत किया है। वो होटल दिल्ली दरबार के बाजू में बर्डी के ऊपर में वो पीली पाल लगाकर वो कमल वो जो है वो कुर्सियाँ बेचने का टेबल बेचने का वो काम करते थे, वो मग्गे वगैरह वो जो रहते नीलकमल कंपनी का माल बेचते थे वहाँ पे। एक वो हमारे विजय केवल रामानी जी उनके साथ में वो आइसक्रीम भी बेचा करते थे वहाँ पर, उस जमाने से उनके साथ में पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे थे। और उनसे कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको सीखने के लिए मिली, जब उनके साथ इतना काम किया आपने देखा है? वो उनका कठिन परिश्रम करने की जो बात है और एक विचार करने की जो बात है, निर्णय लेने की जो उनकी क्षमता है, और ही इज़ अ वेरी यानी बेसिकली सेक्युलर पर्सनैलिटी है। भारतीय जनता पार्टी को भारतवर्ष के अंदर में सेक्युलर यदि फेस दिया होगा तो आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब ने दिया है, जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भारत वर्ष के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सेक्युलर पार्टी करके पहचान थी नहीं, वो पहचान आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब ने दी। उनके प्रशंसक के रूप में आपको ऐसा लगता है कि वो फिर से अध्यक्ष बने? अध्यक्ष वो अध्यक्ष के ऊपर में उठी हुई चीज है, अध्यक्ष यानी वो उन्होंने भुगत ले लिया है, 3 साल उनके सक्षमता के साथ में काम किया है, और वो तो उसके आगे निकल चुके हैं इंसान है, उनको कहा अध्यक्ष बनाते हैं, वो उनको देश चलाना चाहिए केंद्र के सर्वोच्च पद पर, जैसे आपने अब कह दिया है कि देश चलाना चाहिए तो प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए उनको, देखने में कोई हरकत नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब भी बहुत अच्छी तरह से देश चला रहे हैं, लेकिन गडकरी साहब यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश उतनी सक्षमता के साथ भी चलाएंगे, ज़्यादा अच्छा चला सकते, क्या पता तुलना का स्वभाव बहुत अच्छा है, अलग का स्वभाव है मोदी जी के भी तुलना, सबको लेकर चलने वाला स्वभाव है गडकरी साहब, सबको लेकर चलने का स्वभाव हमने देखा है, वह मिरेकल है, जादू कर डालेंगे जादू। तो जैसे देखा जाए कि हमने अभी गडकरी जी पे बात की जी, तो गडकरी जी का एक उपक्रम चलता है नागपुर में क्रीड़ा महोत्सव, तो उस क्रीड़ा महोत्सव में आपकी कितनी सक्रियता रहती है और आपके विधायक के क्षेत्र में आपने कितना क्रीड़ा संबंधी कार्य किए? गडकरी साहब जब से खासदार बने हैं वो विद्यार्थियों के अंदर में अच्छा जोश होना चाहिए, लोगों के अंदर में जोश होना चाहिए, ऐसे इस कारण से वो खेलों का आयोजन करते हैं, और हमने 2-3 सालों से ये देखा है कि अभी खेल के मैदानों के अंदर में
बच्चे लोग मुझे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े लोग भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कितने मैदान आपने बनाए? देखिए, उत्तर नागपुर के अंदर में हमारे हिस्से के ऊपर में खासदार महोत्सव के अंतर्गत जो खेल आते थे हमने वो किया। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री चषक के अंदर में कुछ खेल खिलाए, वो हमने लिया। उनके कारण हमको कुछ खेलों का विकास करने की संधि प्राप्त हुई। मैंने 13 मैदानों को विकसित किया कर रहा हूँ, विकसित किया हूँ नहीं बल्कि अभी वो सब इन पाइप है, लेकिन 13 मैदान मैं अच्छी तरह से विकसित करने जा रहा हूँ, जो 60 करोड़ रुपए माननीय नितिन जी गडकरी और फडणवीस साहब के सहकार्य से जो हमें यहाँ पर मिले हैं, मेरे हिस्से पे 9 करोड़ रुपए आए हैं और 9 करोड़ के ऊपर में मैं 13 मैदाने हाथ में लिया हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे जी, उत्तर नागपुर में आपके चुनावी मैदान में जब आप उतरेंगे, तब जातियों का जो आपका समीकरण होगा और इन सभी चीज़ों को मिला के आप अपनी जीत कितने प्रतिशत देख रहे हैं? कैसा है ये चुनाव, चुनाव के अंदर में जीत जीत कर आने के बाद में ठहराई जाती, उसके पहले कोई अनुमान लगाना मैं गलत समझता हूँ। लेकिन जातीय समीकरण वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेवर है ऐसा बिल्कुल नहीं, वो मतदार संघ भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल किला है ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ मतों का जो है, किसी उम्मीदवार ने ज़्यादा मत लिए समझो, किसी ने कम लिया, तो उसके अंदर में ये मतों का बंटवारा जिसे हम कहते हैं कि मतों का बंटवारा हो जाता है तो हमारी लॉटरी लग जाती है उत्तर नागपुर में। पिछले बारी से मतों का बंटवारा नहीं हुआ, ये 55,000 वोट्स BSP को गए, 50,000 वोट्स कांग्रेस को गए और मैं 79,000 वोट्स लेकर मैंने चुन कर आया। तो मुझे पिछला जो उम्मीदवार जो था मेरे पीछे जो था 14,000 वोटों की मुझे लीड मिली वहाँ पर ऐसा है। तो वो लीड उत्तर नागपुर में बहुत बड़ी है, वैसा देखा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो आपके आगे के भी पूरे राजनीतिक जीवन के लिए आपको बधाई है, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातें करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। MNS न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमने बात की डॉक्टर मिलिन माने इनसे। आगे ऐसे ही चर्चा करने के लिए, रूबरू होने के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। थैंक यू। देश का क्या है मिजाज, क्या है विकास के नाम पर राजनीति का रंग, चुनाव की रणनीतियों की बारीकियों पर होगी मेरी राजनेताओं से चर्चा। देश में विकास रोजगार क्या युवाओं को लुभाने के लिए जुमले साबित होंगे। मैं यानी निनाद दीक्षित के साथ रूबरू में आप देखेंगे देश की राजनीति में क्या होगा 2019 में, चुनाव की रणनीति।